तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू गाइस अकॉस गेमिंग। तो बेशक आप सब ठीक होंगे गाइस। तो लेकर आ चुका है फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो। तो आज का रिक्वेस्टेड वीडियो भाई, एक बंदा न्यू प्लेयर है जो लैपटॉप पे खेल रहा है गाइस, लैपटॉप या पीसी है पता नहीं खेल रहा है। तो बंदा बोला कि यार मुझे पता नहीं कंट्रोल्स क्या यूज होता है गाइस, तो कंट्रोल बता दो कीबोर्ड का। तो आज उसे ऊपर लेकर आया वो वीडियो भाई, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो फ्री फायर कीबोर्ड से गाइस, कौन कौन बटन यूज होता है फायर करने के लिए, मूव करने के लिए, सारा कुछ बताऊंगा। तो आपको क्या करना गाइस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और चैनल पे मेरे फर्स्ट बार आओ, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो इस बारे में बता रहा हूँ ब्लू स्टेक 5 के ऊपर गाइस। आप किसी भी इमुलेटर यूज करते हो गाइस, सेम कीबोर्ड मतलब सेम की मैपिंग यूज कर सकते हो। चलो मैं की मैपिंग सिंपली दिखा दे रहा हूँ, मेरा की मैपिंग क्या है देख सकते हो आराम से गाइस। यहाँ पर की मैपिंग देख सकते हो और कीबोर्ड कौन यूज करता हो दिखा दे रहा हूँ गाइस, सब की देख सकते हो यहाँ गाइस। अगर आप स्पेशली चाहते हो गाइस कीबोर्ड मतलब की मैपिंग कैसे करें तो उसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। और चाहते हो गाइस ब्लू स्टेक फ्री फायर कैसे डाउनलोड करें तो कमेंट जरूर करना, मैं पूरा फुल प्रोसेस बता दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ कंट्रोल पे बता रहा हूँ, इसलिए देखो की मैपिंग दिखा दिया। अब चलते क्या क्या की मैपिंग यूज होता है गाइस, वो कीबोर्ड से दिखाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आराम से, सब मेरा देख सकते हो क्या क्या की यूज करता हूँ मैं। तो सिंपली चलिए अब आ जाते हैं गेम में। देख सकते हो मैं कीबोर्ड एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ लैपटॉप पे, क्योंकि लैपटॉप वाला यूज नहीं करता, क्योंकि आप लैपटॉप पे ज़्यादा अगर खेलोगे तो वहाँ लैपटॉप का जो कीबोर्ड रहता है वो ख़राब हो सकता है। तो मेरा भी ख़राब हो गया था 2-3 बटन, इसलिए मैं न्यू कीबोर्ड ले लिया और उससे खेलता हूँ। तब चलिए बिना मतलब बकवास के अपना चलते कंट्रोल बताता हूँ क्या क्या यूज कर सकते हो। तो सिंपली चलते गाइस, देखो सिंपली सब आ गया गाइस, अब क्या यूज करना गाइस। तो यहाँ देखा मेरा हाथ पर ध्यान देना गाइस, तो जैसे कि आगे जाने के लिए आपको W यूज करना पड़ेगा। देखो W दबाओगे तो आगे जाएगा करेक्टर, एक जा रहा है, और S दबाओगे तो पीछे आएगा, ठीक है। W से आगे और S से पीछे, और D से राइट जाएगा, D से राइट जाएगा और A से लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो फिर से बता दे रहे एक बार, W से जैसे आगे जाएगा, W से दबाओगे कीबोर्ड पे तो आगे जाएगा करेक्टर, उसके बाद S दबाओगे तो पीछे आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह का इस डी दबाओगे तो आपका राइट, ए दबाओगे तो लेफ्ट मूव करेगा, डी दबाओगे राइट मूव करेगा। और जंप करने के लिए स्पेस दबाओगे तो देखो जंप कर रहा है, और रन करने के लिए गाइस शिफ्ट, जो शिफ्ट रहता है उसको दबाओगे तो रन करेगा, स्पेस के देखो शिफ्ट दबाए रन कर लिए गाइस, और इस स्पेस दबाओगे तो ये कुत्ता भी रहेगा, ठीक है। रन करते हुए देख सकते हो आराम से कर रखते हैं। और अपना स्क्रीन मूव करने के लिए आपको अपना माउस यूज कर सकते हो, माउस मूवमेंट करोगे तो वो स्क्रीन मूव होता है मतलब कैमरा एंगल। उसके बाद फायर करने के लिए लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा और स्कोप के लिए राइट क्लिक, ठीक है। चलो दिखा दे रहा हूँ मैं फिर से। तो फायर करने के लिए आपको गाइस लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा और स्कोप ओपन करने के लिए राइट क्लिक करोगे तो स्कोप ओपन होगा, और लेफ्ट क्लिक करोगे तो फायर होगा। ये गाइस सभी इम्युलेटर पर ये सेम रहता है गाइस, सिर्फ कुछ जैसे कि ग्लू वॉल लगाने का, मेडिकेट लेने का, ये सब तुम अलग से अपना सेट करते हो, चाहते हो चेंज करने जाते हो, मैं वही भी रहता। और एक चीज़ सेम रहता है गाइस, कोई भी अगर चीज़ आप मतलब उठाना चाहते हो गाइस तो उसको रहता है गाइस सिंपली एफ रहता है गाइस, जितना भी इम्युलेटर है सब में एफ रहता है। FGH से तीनों बटन से उठता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह FGH से फर्स्ट सेकंड में जो रहा फर्स्ट सेकंड होता। और यहाँ गन चेंज करने के लिए बता दे रहा गाइस, गन ऊपर का जो नंबर रहता है 1, 2, 3 से, जो फर्स्ट नंबर 1, 2, 3 से तीनों गन चेंज कर सकते हो गाइस। और गन रीलोड करने के लिए R रहता बटन, तो R दबाओगे तो वहाँ गन रीलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लेना गाइस, अगर और भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बेशक जरूर बताना। और कंट्रोल का जो रहता है माउस कर्सर, देखो मेरा अनलॉक और लॉक हो रहा है, ये कंट्रोल से होता है। तो कंट्रोल से कैसे सेट करते गाइस ये आपको जानना है गाइस, अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट करना, मैं भी इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलते सिंपली सब बता देता हूँ गाइस, जेड से दबाओगा गाइस आपका करेक्टर लेट जाएगा मतलब प्रोन हो जाएगा, और सी दबाने से आपका करेक्टर मतलब बैठ जाता है, ठीक है। सी दबाओगे उठ बैठ करेगा, देखो सी से उठ बैठ कर रहा गाइस। तो यही था गाइस जो बेसिक रहता गाइस, तो वो बता दिया। और ग्लू वॉल लगाने के लिए कुछ अपना सेट कर सकते हो गाइस, जैसे कि मैं V यूज करता हूँ ग्लू वॉल लगाने के लिए, वो मेडिकेट के 5 अब बैक के लिए B यूज करता हूँ, तो यही सेट कर देना तो आपका वही काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक और कमेंट आ रहा था कि कार कैसे मतलब यूज करे व्हीकल, तो इसके लिए F बटन से आपको कार के अंदर चल जाएगा। और जिस तरह गाइस WASD से बताया था आगे पीछे राइट, सेम वही कार पे भी लागू होता है, उस तरह करोगे। सिर्फ सेटिंग में जाके वन हैंड सेट
तो कैसा लगा भाई वीडियो अच्छा लगा जल्दी से कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल पे फर्स्ट बार आओगे इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।